हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कॉमनवेल्थ के गेम्स खिलाड़ियों को गुरुग्राम में सम्मानित किया। इस दौरान सीएम ने प्रदेश के खिलाड़ियों को पदक लाओ पदक बढ़ाओ का नारा भी दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की खेल नीति और खिलाड़ियों की प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी करते हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि हरियाणा आज देश के खेलों की राजधानी के रूप में उभर कर सामने आया है, जिससे बाकी प्रदेश प्रेरणा ले रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को गुरुग्राम में कॉमनवेल्थ खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में शिरकत की। इस दौरान हरियाणा सरकार ने राष्ट्रमंडल खेलों में मेडल विजेताओं और प्रतिभागी खिलाड़ियों को सम्मानित किया। वहीं मनोहर सरकार ने कॉमनवेल्थ में शामिल हुए खिलाड़ियों को 25 करोड़ 80 लाख की इनामी राशि वितरित की। इस मौके पर सीएम ने अपने संबोधन में खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ पदक बढ़ाओ का नारा दिया। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि पिछले दो पखवाड़े में दो मौके ऐसे रहे जिसने देश को जोड़ा है। तो मैं ही पिछला पखवाड़ा अगर हम देखते हैं तो इस देश का दो उत्सवों का यह पखवाड़ा चला है। एक उत्सव तो जैसा हम जानते हैं कि स्वाधीनता दिवस का 15 अगस्त का कार्यक्रम, इससे पहले हर घर तिरंगा एक माहौल उत्सव जैसा सारे देश में था, और उसी में ये जो बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, इसमें जिस प्रकार से हमारे खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया वो भी किसी उत्सव से कम नहीं है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उत्सव, इसको मानना चाहिए। वहीं सीएम मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज की, जिसमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने भी अपना अहम योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जब जब खेल को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी सुझाव आएगा उसे हम लागू करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा को खेल की राजधानी बताया है। सीएम ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी और आगे के खेल के लिए और भी अच्छा प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं दी। वैसे तो हर एक ऐसे जो भी होती हैं ओलंपिक से नीचे हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर की भी जो होती हैं, हमारे खिलाड़ियों का जुनून ये देखने को मिलता है, और उस जुनून के माध्यम से ये जो खेल का प्रदर्शन करते हैं उसमें इनका अपना योगदान तो है ही है, लेकिन साथ में जो खेल प्रेमी जितने सज्जन हैं जो उत्साहवर्धन करते हैं, खेल को आगे बढ़ाने वाली सारी टीम, चाहे वो सरकारी है चाहे वो गैर सरकारी है, खिलाड़ियों के माता पिता, खिलाड़ियों के शिक्षक, प्रशिक्षण देने वाले जो कोचेस, सबका अपना योगदान है। अपना जो खेलो इंडिया कार्यक्रम था उसमें देश के गृह मंत्री जी ने एक टिप्पणी की थी कि हरियाणा जो खेलों की देश की कैपिटल है, यानी देश की कैपिटल कहना बहुत बड़ी बात है। हरियाणा की तरफ सब लोग देख रहे हैं, सब लोग इसको कैसे आगे बढ़ते हुए, क्योंकि जहां प्रदेश का हमारा जो परफॉर्मेंस है इसके कारण से देश का भी नाम होता है। देश की टैली में भी हम जितना योगदान कर सकें उसके कारण से देश का मान सम्मान बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहीं से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। खेलों में भी हमारी बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं सीएम ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि हमने चौथे स्थान के लिए भी प्राइज की घोषणा की। कुल 25 करोड़ 80 लाख की इनामी राशि आज खिलाड़ियों के खाते में होंगी। गोल्ड मेडलिस्ट को 1 करोड़ 5 लाख, तो वहीं सिल्वर मेडलिस्ट को 75 लाख, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 50 लाख, तो वहीं चौथे स्थान के खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए सम्मान राशि दी गई, तो वहीं सभी प्रतिभागियों को भी 7.5 लाख रुपए का सम्मान राशि दी गई। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों ने जमाया था। हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीता 9 गोल्ड 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। सीएम ने स्वर्ण पदक विजेता को 1.5 करोड़ रुपए के दी इनामी राशि। हरियाणा के 9 खिलाड़ियों ने 1.5 करोड़ रुपए की इनामी राशि की प्राप्त। बॉक्सर अमित पंघाल और नीतू घनगस ने भी हासिल किया 1.5 करोड़ रुपए, जिनमें से पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी बलिक, दीपक पुनिया, विनेश फोगाट हैं शामिल। रवि दहिया, नवीन कुमार, पैरा पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी सुधीर भी है शामिल।
मनोहर सरकार ने सिल्वर मेडलिस्ट को 75 लाख रुपए के दिया इनामी राशि, जिसमें हरियाणा के 5 खिलाड़ियों ने प्राप्त किए 75 लाख का इनामी राशि। सीएम ने ब्रॉन्ज मेडल विजेता को भी 50 लाख रुपए की इनामी राशि से किया सम्मानित, जिसमें हरियाणा के 6 खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। पूजा सिहा, पूजा गहलोत, दीपक नेहरा और मोहित ग्रेवाल ने कुश्ती में जीता कांस्य पदक। जैस्मिन ने बॉक्सिंग और संदीप पुनिया ने भी एथलेटिक्स में देश को दिलाया कांस्य पदक। चौथे नंबर के विजेता को भी सीएम ने 15 लाख रुपए के इनामी राशि, बाकी प्रतिभागियों को सीएम ने 7.5 लाख रुपए की इनामी राशि देकर किया सम्मानित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि द्रोणाचार्य, अर्जुन अवार्डी जैसे खिलाड़ियों को भी हमने 20,000 रुपए मासिक, भीम पुरस्कार के लिए 5,000 तो वहीं तेंजिंग नार्वे पुरस्कार विजेता को भी 20,000 मासिक देना सुनिश्चित किया है। सीएम ने कहा कि पूरे हरियाणा की खेल के हिसाब से मैपिंग के लिए विभाग को जानकारी दी गई है कि जैसे हरियाणा देश की खेल राजधानी, वैसे ही प्रदेश में जिला स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। सीएम ने प्रदेश में खेल नर्सरियों पर बात करते हुए बताया कि प्रदेश में 1100 नर्सरियों का लक्ष्य रखा है। पिछले साल के मुकाबले खेल का बजट दोगुना किया है। स्टेडियम में स्पेशलिस्ट कोच को इसकी व्यवस्था भी करेंगे। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि खेल यूनिवर्सिटी राई को विकसित करने का काम जारी है। एडवेंचर गेम्स के लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई गई है। ग्राम स्तर तक व्यायामशाला बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि 100 साल की आजादी के बाद 2047 में देश कैसा होगा, उसके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विचार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 प्रण दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी को इन प्रण पर चलने के लिए आह्वान किया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि देश कॉमनवेल्थ की टैली में अभी भी चौथे नंबर पर है, लेकिन टैली पर टॉप पर जाना है। पदक लाओ, पदक बढ़ाओ नारे पर हमें चलना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर पदक विजेता अपने जैसे 5 से 10 खिलाड़ी को तैयार कर। जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट।